एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग सब प्रोडक्ट। तो काफी सारी जो लड़कियां हैं वो दिल से कहीं ना कहीं चाहती हैं कि उनके बाल काफ़ी लंबे हो जाएं एंड लॉन्ग हेयर रखे हो। इनफैक्ट जब मैंने अपना हेयर कट भी करवाया था, अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे जिसको मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिम करवा लिया है। सो जब मैं इनफैक्ट आप लोगों ने तो वीडियो में मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि अरे आपने क्यों कट करवा लिया, इतने अच्छे बाल थे, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि हम तो इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट हमारे हेयर ग्रोथ नहीं होता है, मुझे टिप्स बताइए, ये करिए वो करिए। पार्लर में भी हेयर कट करवा रही थी तो वहाँ पर जो दो तीन लोग बैठे हुए थे देवर और लाइक मतलब मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा था बट उन लोगों को काफ़ी वो हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि उनके बाल काफ़ी लंबे एंड सुंदर एंड खूबसूरत हो जाए। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ग्रोथ, किसकी बालों की ग्रोथ कैसी है। तो वो लोग क्यों अपने जो ड्रीम लेंथ हेयर है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके दो तीन ऐसे कॉमन रीजन है। एक तो काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स, आई एम श्योर आपके इतने जो 3 से 4 सेंटीमीटर के जो बाल होते हैं उसमें काफ़ी स्प्लिट एंड्स हो जाते होंगे, ड्राई एंड्स हो जाते होंगे, बहुत रफ बाल हो जाते होंगे। तो आप ना चाह करके भी आपको वो ट्रिम तो करवाना ही पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डैमेज एंड खराब से दिखते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा रेंज। सो ये है लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ रेंज। तो इस रेंज में आता है लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू एंड साथ ही साथ डिटैंगलिंग कंडीशनर एंड साथ ही साथ ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। ये जो प्रोडक्ट है ये है लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम। सो दिस इज एक्चुअली अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इश्यूज, जो भी हेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। दिस प्रोडक्ट विल गोइंग टू बी अ गेम चेंजर प्रोडक्ट फॉर यू नो हेयर कट। ये बेसिकली इन शॉर्ट क्या करेगा, आपके जो हेयर ट्रिमिंग की जो अननेसेसरी पार्लर विजिट्स होती है ना, ये उसको तो डेफिनेटली कट करवा देगा। ये फर्स्ट ऐसा क्रीम है जो कि आपके बालों को डैमेज होने से तो बचाएगा ही बचाएगा, जिसकी वजह से आप जो नीचे के हेयर कट करवाते हैं ना 3 सेंटीमीटर तक, तो वो ये सेव कर लेगा एंड साथ ही आपके जो बालों के ड्राई एंड्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से थॉरली मॉइस्चराइज करेगा, जिसकी वजह से वो ड्राइनेस, स्प्लिट एंड्स और भी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, रफनेस, वो सब चीजें नहीं होगी। तो ये दिस इज द फर्स्ट लीव इन कंडीशनर जो कि आपके बालों को सिर्फ शाइनी एंड ग्लॉसियर नहीं छोड़ेगा बट साथ ही साथ आपके बालों को ये प्रोटेक्ट भी करेगा, आपके बालों को डैमेज होने से बचाएगा, आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, स्प्लिट एंड्स होने से बचाएगा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको यूज कैसे करा था। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको वॉश करना होता है शैम्पू एंड कंडीशनर से, ये दोनों एज अ कॉम्बिनेशन में यूज कर रही हूँ, शैम्पू एंड कंडीशनर। उसके बाद आपको वेट हेयर में लगाना होता है ये नो हेयर कट क्रीम। इसमें ऐसे 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो कि स्टार इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर हेयर केयर के। तो इसमें मिला हुआ है वेजिटेबल कैरेटिन जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्श ट्रीटमेंट्स एंड साथ ही साथ सील करता है आपके जो डैमेज टिप्स होते हैं। उसके बाद इसमें मिला हुआ है कैस्टर ऑयल जो कि आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसके साथ ही साथ आपके बालों को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करता है। एसेंशियल विटामिन्स है फॉर स्ट्रेंथ एंड रिस्टोरिंग हेयर इंटरनली फ्रॉम एनी ब्रेकेजेस। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही अल्टीमेट सेवियर हैं आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं उनको सील करने के लिए एंड साथ ही साथ आपकी जो लेंथ है उसको रिस्टोर करने के लिए। नाउ इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं एंड आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, जो प्रॉब्लम मेरे साथ पहले होता था, ये आपको क्या करेगा, वन वॉश में ही आपके बालों को बहुत ज्यादा यू नो डिटैंगल कर देगा, आराम से आपको मैनेज करने में इजी रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है, आप अपने जो हेल्दी हेयर है वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट यूज में ही आपको दिख जाएगा कि आपके जो बाल के जो एंड्स हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेंगे एंड साथ ही साथ वो जो ब्रिटल हो जाते हैं ना, ऐसे हार्श हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इस प्रोडक्ट से बेस्ट चीज ये होने वाली है कि आप जो नीचे के बाल डैमेज होने की वजह से कट करवाते थे वो अब आपको कट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं भी पहले जो ट्रिम करती थी वो इसीलिए करती थी क्योंकि डैमेज हो जाते थे, बट इसको लगाने से आपके बालों में लिटरली बिल्कुल भी ऐसे डैमेज नहीं बचता है, आपके बाल काफी ज्यादा डैमेज फ्री हो जाते हैं, मॉइस्चराइज लगते हैं, आपके स्प्लिटेंस नहीं रहते हैं एंड आप आराम से अपनी जो लेंथ है वो मेंटेन कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं।
हैं. दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन एंड हैसल फ्री सोल्यूशन है. बहुत ही सही लगा मुझे ये. मतलब आपको कुछ भी लगाने की जरूरत, शैम्पू कंडीशनर के बाद आप बस ये लगाइए एंड यू आर गुड टू गो. दिस इज अ वेरी गुड वन स्टॉप सोल्यूशन एंड हैसल फ्री सोल्यूशन टू मैनेज योर डिटैंगल्ड हेयर. और साथ ही साथ आप अच्छे से ग्रो भी कर पाओगे बिना किसी टेंशन के, और आपकी जो स्प्लिट एंड्स है वो भी ये सील कर देगा. आप देख सकते हो कि मेरे बालों में कोई भी टैंगल नहीं है. बहुत आराम से मेरा हाथ जो है वो स्लिप हो रखा है. ये देखिए, वेरी बहुत सॉफ्ट एंड टैंगल फ्री हो चुके हैं. ये जो रेंज है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. एंड ये बेस्ट चीज़ क्या करती है कि आपका जो टाइम है वो सेव करता है, उसके बाद आपके जो एफर्ट्स हैं वो सेव करता है, जो आप अपने यू नो होममेड रेमेडीज बनाने में लगाते हैं. एंड साथ ही साथ पार्लर जाते हैं अपने 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हेयर कट करवाते हैं, तो उन सब की जो प्रोसेस है वो ये सेव करता है. हैसल फ्री वन स्टॉप सोल्यूशन है. आई लिटरली लव्ड इट एंड हाईली हाईली रेकमेंड टू यू. तो ये जो प्रोडक्ट है ये 200 ml का बॉटल है एंड ये आता है ₹499 में. आई थिंक इट्स प्रिटी गुड एंड प्रिटी अफोर्डेबल फॉर द प्राइस रेंज. जिस तरह का ये प्रोडक्ट है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री एंड हैसल फ्री, एंड फटाफट काम भी बहुत अच्छा करता है. परचेस लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. एंड येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा एंड कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.